रायबरेली में 17 नवंबर की सुबह हरचंदपुर थाना क्षेत्र के चिकली गांव के पास शारदा नहर के किनारे मिले अज्ञात युवक के शव को लेकर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस की माने तो अजय पाठक नाम के युवक की प्रेम प्रसंग के चलते उसकी हत्या करके रायबरेली के हरचंदपुर थाना क्षेत्र में शारदा नहर के किनारे बोलेरो सवार हत्यारे फेंक कर फरार हो गए। पुलिस के लिए यह ब्लाइंड मर्डर था, लेकिन जिले की सर्विलांस और स्वाट टीम ने बुधवार को अजय पाठक नाम के युवक की हत्या का खुलासा करते हुए 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। रायबरेली के हरचंदपुर थाने की पुलिस और जिले की सर्विलांस और स्वाट टीम की गिरफ्त में खड़े इन 5 शातिरों को देखिए। इन पर अमेठी जिले के मोहनगंज थाना क्षेत्र के रहने वाले अजय पाठक नाम के युवक की हत्या का आरोप है। पुलिस की माने तो इन सभी ने मिलकर 15 नवंबर की शाम अजय पाठक की हत्या कर दी थी। हत्या के बाद 16 नवंबर को बोलेरो गाड़ी से शव को लेकर रायबरेली के हरचंदपुर थाना क्षेत्र में शारदा नहर में फेंक दिया था और उसके बाद सभी लोग फरार हो गए थे। 17 नवंबर की सुबह हरचंदपुर थाना क्षेत्र की हिगली गांव के पास शारदा नहर में पुल के नीचे फंसी लाश को देखा तो स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया। लोगों ने पुलिस को सूचना दी, उसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने अज्ञात शव को जब बरामद किया तो उसके गले में एक दुपट्टा बंधा हुआ था। पुलिस इसे शुरुआत से ही हत्या मान रही थी, लेकिन अज्ञात होने के चलते उसके लिए यह ब्लाइंड मर्डर था। लेकिन 19 नवंबर को जब सोशल मीडिया और अखबारों के जरिए मृतक के परिजनों को खबर लगी तो परिजन हरचंदपुर थाने पहुंचे और फोटो से पहचान की तो पता चला कि अजय पाठक नाम के शख्स का शव है। परिजनों ने अज्ञात लोगों पर हत्या का मामला दर्ज कराया, जिसके बाद पुलिस ने मृतक के मोबाइल को सर्विलांस में लगाया और गहन छानबीन के बाद पता चला कि मृतक अजय पाठक जिस युवती से प्रेम करता था उसी के बहनोई और उसके 5 साथियों ने मिलकर उसकी गला बांधकर हत्या कर दी थी और शव को गायब करने के लिए रायबरेली हरचंदपुर थाना क्षेत्र में बोलेरो गाड़ी चलाकर शारदा नहर में फेंक दिया था। हत्या का खुलासा करते हुए अपर पुलिस अधीक्षक ने क्या कहा है, आप खुद ही सुनिए। वो शारदा नहर में पुल के नीचे डेड बॉडी पाई गई थी। ये एक ब्लाइंड केस था, उसको हम लोगों ने वर्कआउट शुरू किया तो उसमें हमारी स्वाट टीम, सर्विलांस टीम और हरचंदपुर थाने की जो टीम है उन्होंने बहुत ही मेहनत करके उस घटना का अनावरण किया है। जो मृतक की पहचान जो है अमेठी के मोहनगंज थाने का हुआ, अमित पाठक, अजय पाठक के नाम से, और उसके जब सर्विलांस से और चीज़ें निकली तो इसका एक प्रेम प्रसंग था हमारे क्षेत्र तकिया की रहने वाली एक बालिका से। उसको लेकर के वो वहीं अपने बहनोई के यहाँ रहती थी मोहनगंज में, और वो वहाँ से प्रेम प्रसंग यहाँ तक मिलने आता था। घटना वाले दिन 15 तारीख को यहाँ आया हुआ था। इसके भाइयों ने और परिजनों ने उसको आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया और दोनों के साथ मारपीट की तथा उसको उसका गला दबा कर उसकी हत्या कर दी। उसको ले जा करके एक बोलेरो शारदा नहर में ले जाके फेंक दिया। उस बॉडी को फिर हमारी पुलिस ने आगे कार्रवाई करते हुए उस घटना का आरोप किया है। बोलेरो का जो ड्राइवर है वो फरार है, सारे मुलजिम और गिरफ्तार हो चुके हैं।